अफगानिस्तान में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। तालिबान ने राष्ट्रीय भवन पर कब्जा कर लिया। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर बाहर जा चुके हैं। वहीं काबुल एयरपोर्ट के जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो मानवता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। देश छोड़ने वाले विमान में सवार होने के लिए भगदड़ मच रही है। विमान से गिरकर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिका सैनिकों की गोलीबारी में 5 लोगों की जान चली गई है। बड़ी बात यह है कि चीनी सरकार ने तालिबान को मान्यता दे दी है। देखिए ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में तालिबान ने अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है। उसने कंधार, हेरात, मजार ए शरीफ और जलालाबाद जैसे शहरों समेत 34 में से 25 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। इधर काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों की तरफ से की गई फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई है। हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने के बीच काबुल में अमेरिकी दूतावास से अमेरिकी झंडा उतार लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि दूतावास के लगभग सभी अधिकारियों को शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा दिया गया है, जहां पर हजारों अमेरिकी और अन्य लोग विमानों का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एयर इंडिया से कहा है कि वो काबुल से आपातकालीन निकासी के लिए 2 विमानों को स्टैंडबाय पर रखे। एयर इंडिया ने काबुल से नई दिल्ली के लिए आपातकालीन ऑपरेशन के लिए एक दल तैयार किया है। काबुल में तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा करने और राष्ट्रपति अशरफ गनी के युद्धग्रस्त देश छोड़ने के एक दिन बाद अफगानिस्तान में उभरती स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में पाकिस्तान की सुरक्षा समिति की बैठक हुई। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में विचार विमर्श के बाद पाकिस्तान मौजूदा स्थिति पर अपना रुख सामने ला रहा है। बैठक में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और विदेश मंत्री कुरैशी सहित वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य नेता शामिल हुए। अफगानिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लोग किसी भी हालत में देश छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ जाना चाह रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट से रवाना हुए एक विमान से 3 यात्री नीचे गिर गए हैं। बता दें, भारत के उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बयान जारी कर कहा कि अफगानिस्तान में फंसे हिंदुओं और सिखों को भारत लाया जाएगा। साथ ही जितनी भी उड़ानें अफगानिस्तान रूट से जानी है सबको सुरक्षा कारणों से डायवर्ट किया गया है। उधर एयर इंडिया ने पूर्व निर्धारित अपनी एकमात्र दिल्ली काबुल उड़ान को रद्द कर दिया ताकि अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र से बचा जा सके। विमानन कंपनी ने यह कदम स्थिति घोषित किए जाने के बाद अनियंत्रित काबुल हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा उठाया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित ये एकमात्र वाणिज्यिक उड़ान थी और एयर इंडिया एकमात्र विमानन कंपनी है जो दोनों देशों के बीच विमानों का परिचालन कर रही है। बता दें, अफगानिस्तान में हालात भयावह होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में तालिबानी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, अफगान की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। तालिबान को चीनी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वहीं दुनिया की कई शक्तियों की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आज के उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।